हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और गन्नौर से कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप शर्मा ने सोमवार को गन्नौर के विभिन्न गांवों में और शहर में जनसंपर्क अभियान चलाया। ग्रामीणों ने कुलदीप शर्मा का इस दौरान जोरदार स्वागत किया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कुलदीप शर्मा ने कहा कि साल 2009 से 2014 के बीच गन्नौर में जो विकास के काम हुए हैं उन्हें आज भी लोग याद करते हैं। भाजपा की सरकार बनी, एमपी बने और विधायक भी बने, लेकिन उन 5 सालों का मुकाबला नहीं हो पाया। लोगों की जुबान पर है कि गन्नौर में अगर कोई काम करवा सकता है तो वो कुलदीप शर्मा है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज द टॉलेस्ट लीडर, तो उन्होंने 16 कल रोड शो किए हैं, तो उससे उनका एक प्रभाव है। ये क्षेत्र उनका गढ़ है, उनके आने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है। जो तो सोशल मीडिया तो आपको पता है, इट इज़ अ गेम ऑफ मैनिपुलेशन में करते रहते हैं। और भूपेंद्र गायक गए हैं, कुलदीप शर्मा हमारा कैंडिडेट है और कुलदीप शर्मा को बनाओगे तो इस सरकार में हिस्सा डालेंगे। और ये कहा है कि जो निर्दलीय खड़ा है ये बीजेपी का एजेंट है, खट्टर का आदमी है, और ये वोट काटो, इसको वोट मत दियो भाई कुलदीप शर्मा। और क्या कहना था। तो जींद के उशाना में पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल की जयंती के मौके पर आयोजित सम्मान दिवस रैली में बसपा